नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका रोहित नेहा ब्लॉग में। और अभी मैं खड़ा हूँ रामेश्वरम के जो राम सेतु के लिए जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर। जाम बहुत इस टाइम लोग, क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। आज संडे का दिन वैसे ही है तो यहाँ पर है और साइड बीच है। और ये यहाँ पे आगे अगर ये सीधे मैं सीधे जाऊँगा तो ये राम सेतु ही आगे जाके जो श्रीलंका जा रहा है रास्ता। सनसेट हो रहा है तो चले वहाँ पे, आओ चलते हैं। तो वर्षा जान कैसा लग रहा है आपको? सनसेट बादलों में हो गया। सनसेट बादलों, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लड्डू लड्डू अच्छा लग रहा है। मम अच्छा, पापा नहीं जाएंगे तो तुम्हें फोन में रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये पूरा सीधे सीधे राम सेतु जा रहा है। देखो ये जब तक जाम आप देख रहे हो ना, पूरा राम सेतु जा रहा है पूरा। मेरे पापा खड़े हुए हैं और ये आगे तक पूरा राम सेतु के रुक जाता है। और यहाँ पे क्या लगता है आपको आगे कौन सी जगह घूमने के लिए? जीजा जी अभी हम आगे धनुषकोड़ी और राम सेतु जा सकते हैं। धनुषकोड़ी में क्या है? धनुषकोड़ी एंड पॉइंट एक छोटा सा आइलैंड टाइप से है सी पे। अच्छा यहाँ से आइलैंड है तो फिर जाते कैसे वहाँ पे? फुल से जाते नहीं, ये स्ट्रेट ऐसे जा चुके हैं। बट आज स्ट्रेट ऐसे जा रहा है सीधे। हाँ ज़्यादा ही ट्रैफिक है तो इस वजह से शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे। और राम सेतु? राम सेतु भी यहीं से ही है। राम सेतु भी सीधे से। बट ये ज़्यादा अच्छा नज़ारा है सी का शाम के टाइम, तो हम यहीं इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि बता रहे हैं जय जी कि आगे जाके ओ हो गए बोले बेटा अब पानी की लहर थोड़ी हैवी नहीं आ रही है, है? खराब अभी अच्छी वाली आई है। तो वहीं पे वही है आप, सिर्फ यही थोड़ा सा बीच का जगह है अगर देख पा रहे हैं कि यही बीच की जगह है, बाकी तो फिर वहाँ तक पानी पानी है। यही थोड़ी सी जगह है जहाँ पे पानी कम है। और यहाँ पे ये टूरिस्ट है यहाँ पे इतने। वाओ कैसा लग रहा है ना? मैं चाहता हूँ अपनी बेटी से, क्योंकि मैंने इनको क्या किया था, इनको समुद्र के पानी में छोड़ दिया था। देखो देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये समुद्र जो सीधा जाता है ना, ये वाला सीधा जाता है श्रीलंका जाता है। श्रीलंका में मेरी बुआ है, फूफा जी है, तो उनको बुला के देखते हैं। बुआ चुप चुप बोलो अब हमारा बुआ। हम लोग तैयार हो चुके हैं, नहा चुके हैं, फिर सजी भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। यहाँ से अब हम जा रहे हैं रामेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। हमारी गाड़ी अभी, हमारे जो ड्राइवर भी हैं वो भी नहा चुके हैं और बस पापा बचे हैं और बाकी ऑलमोस्ट लोग तैयार हो चुके हैं। बोलो चलो
तो दोस्तों हमने रामेश्वरम के दर्शन कर लिए हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। अभी हम रामेश्वरम के पास जो घाट है, जो घाट बोल सकते हैं, बीच बोल सकते हैं, बीच नहीं बोल सकते, नहीं, मेरे पीछे है समुद्र, लड्डू जी मैं, और यहाँ पे नेहा है सब, ये हैं। हाँ जी, ये समुद्र लग रहा है समुद्र, आ गया दीदी, आ जाने। भाई पानी तो साफ लग रहा है, ज्यादा गंदा नहीं है। मम्मा बेटी। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रॉपर साउथ इंडियन थाली दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हम केले के पत्ते का प्रॉपर जो चीज़ होती है, कोशिश करेंगे हाथ से खाने की, मुझे हाथ से खाना नहीं आता, फिर कोशिश की जाएगी, आई होप मैं खाने का हाथ से खा पाऊंगा। क्या क्या है ये मुझे बता देंगे कि क्या क्या कौन सा कौन सी है, तो मैं आपको क्या डिटेल से बता दूँगा। हाँ हाँ, डबल लेयर भी खाते हैं छिड़काव करना है पानी पे, केले आ चुका है, हमें इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, साफ करने थोड़ा छिड़काव करना पड़ेगा पानी के साथ, तो हाथों में लेते हैं, छीट डाल दिया जगह, थोड़ा और डाले गंदगी होगी ना साफ, हमने ये हमारा प्लेट तैयार है गीली, और मेरे पास ये आया है, ये है पिकल साथ में, और ये है मिक्स वेजिटेबल है, और इसको इन्होंने बोला है, और ये तो है चौ चौ चना, कोई सब्जी है चौ चौ चना करके, एक बिजली लोगों का नाम है साउथ इंडियन डिश, को सैलेड टाइप है। अच्छी बात ये है, ये तो है, ये जामुन खा लेते हैं, इटेबल होता है, हम जब प्लेट यूज करते हैं हमें खाना बच जाता है, तो वो एक तो गंदगी फैलती है उससे, और वो खाना वेस्ट जाता है, इसके साथ ये अगर इसमें हम खाना छोड़ते हैं तो ये हमारे एनिमल्स खाते हैं, अंदर गाय भैंस खाते हैं, पत्ता है यहाँ पे, और जो अगर कुछ छोटा बच भी जाता है कोई सब्जी नहीं बचाता है, तो वो भी रिपेक्ट हो जाती है, तो उसका मिस यूज होता है, उसका अच्छा यूज होता है, वो खा लेते हैं, वेस्ट नहीं जाता। तो ऐसे इसकी तारीफ होनी चाहिए साउथ इंडियन, ये जो कल्चर है ये बहुत अच्छा है। और ये राइस आ चुके हैं, वही खाना अगर आप देखें तो ये राइस की क्वांटिटी इतनी है कि मैं घर में इसके आधे राइस खाता हूँ, और उसके बाद मैं रोटी नहीं खाता, अगर रोटी खाऊंगा तो इसके इतना ही मैं लेता हूँ, बस कहते हैं यहाँ का राइस अलग है, ये तो काफ़ी छोटा राइस है, अच्छा डाले डाले पूरे डाल दे डाले डाले, अच्छा चलो हमें हाथ से खाना, हाथ से खाना आता नहीं, ये क्या है सांभर, सांभर डाला इसमें, और साथ है पापड़, सांभर पापड़ बाओ, अभी मेरे इतने चावल बचे हुए हैं और आधा चावल, पता है मैं इतना खा पाऊंगा नहीं, कोशिश की जाएगी खाने की, दिस इज क्या है सांभर, और सांभर आज स्पाइसी चाहिए, चाहिए स्पाइसी, स्पाइसी चाहिए, चाहिए नो चाहिए, थैंक यू, तो ये स्पाइसी ये दे नहीं देते, पता नहीं क्या है सर, थोड़ा सा चाट के देते क्या, क्यों नहीं देते
मैं एक चीज देख रहा हूँ, देख रहा हूँ नारियल का जैसे नाम लिया नारियल की चटनी लगी। हाँ मैं चटनी चम्मच से, ये चम्मच मैंने ले लिया, अगर मेरे से नहीं खा जाती तो मैं उससे खाऊंगा। कोशिश पहले की जाएगी हाथ से खाने की। अच्छा तो गर्म है लेकिन तो पहले सांभर से शुरू करना है। पहले क्या है सांभर से, सांभर से बच्चा यहाँ पे हाथ से खाने के तरीके चम्मच में ले रखे, अगर नहीं खाते भाई गर्म बहुत है लेकिन गर्म कल हम मथुरा ही गए थे, वहाँ पे एक जन इतना गंदा खाना आया था, ये तो बहुत पसंद है, थोड़ा सा स्पाइसी मिलाते हैं स्पाइसी करने के लिए। मैंने कहा लोगों ने गोला बना लिया था, मैंने खा पाऊंगा गोला बना। नो डाउट बहुत बढ़िया लगा पैसे वाली। वर्षा कैसा लग रहा है, क्या सर कैसा लग रहा है? ये आपने निपटा दिए आप में थाली देख पा रहे हो ना, अभी ये कह रहा मैं दही और चावल लिए। इनका रूल ये है कि जो अगर चावल यहाँ पे होगा तो नहीं देंगे, चावल इसमें रखेंगे तो इसके ऊपर ही दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा अलग से रसम या कटोरी में ये सब कुछ नहीं है, इसी में ठीक है। कटोरी पता नहीं क्या क्या ये रसम राइस खाइए मैंने, अभी इन्होंने साथ में दिया है दही, दही मतलब बटर मिल्क है और नॉर्मल राइस के बीच में थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैंने सुना है कि हमेशा कभी भी ना दही में नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छे वाले बैक्टीरिया जो भी दही में होते हैं वो मर जाते हैं, हमेशा चीनी डालो इसमें या प्लेन खाओ, नमक नहीं डालना। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, लोगों ने कहा कि उन्होंने बताया कि ऐसे अच्छा लगता है। जितना भी खाना ना अनलिमिटेड आप कोई कितनी बार भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी खुराक नहीं है कि हम और ले सकें, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं जितना चाहें अनलिमिटेड। टेस्ट में एकदम लाजवाब, मैं साउथ इंडियन खाने का बहुत मन था, हालांकि मैंने यहाँ पे सुबह डोसा खाया था और उत्तम खाया था, अब ये चीज़ खाइए बहुत अच्छा। अभी ना मैंने ये खाना खा लिया है लगभग, अब देख लो ना ये लगभग ग्रेवी ग्रेवी बची है, पानी पानी बचा है और ये सॉलिड है, और मैं से हाथ से मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो वर्षा जी ने बताया कि हमें क्या करना होता है, ये जो चावल है इसको मैश करेंगे ना, मैश करेंगे तो ये जो भी ग्रेवी है ना उसके साथ में जो चावल है जितना मैश करेंगे तो ग्रेवी के साथ मिल जाएगा, और फिर हम जाके उठा उठा के ये छोटी छोटी टेक्निक है आपके खाना और पत्ते बनाना मिल लगता है कि सबसे बच्ची बात है आपने मेरे पत्ते खाया था। अच्छा ये भी है आगे से फोन करा तो अच्छा मैं ऐसा करके जाऊँ तो बहुत ये अप्रिशिएट किया मैंने, और अगर मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया मतलब हर इशारा कुछ कहता है ना। दोस्तों इसी के साथ हम लोग वापस बेंगलोर आ चुके हैं, ये था हमारा छोटा सा रामेश्वरम का टूर।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।